अच्छा, आपने छोटी छोटी, जैसे अभी मैंने आपको एक मशवरा दिया, सो छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो आप अभी हम ढोलकी पे कर रहे हैं, इनकी जब इंशाल्लाह मेहंदी या जो भी होगी उसमें आप लोग, लड़कों के लिए बहुत कम रस्में होती हैं, लड़कियों के लिए तो बहुत सारी हैं। सो एक बड़ी क्यूट और बहुत प्यारी रस्म हमें पता चली, अगर हम दुआओं से शुरू करते हैं, अब लोग कहेंगे दुपट्टा क्या कर रही है निदा, ये सात रंग का दुपट्टा है और चुनरी का दुपट्टा होता तो बहुत अच्छा होता, ये अच्छा लग रहा है, ये भी बहुत प्यारा है, ये हम इनको पटके की तरह इनके गले में डाल देंगे, ये मुझे भी अपनी बहनी समझे आप, और ये जो है कोई दुआ देके, जैसे अल्लाह करे कि आप अपनी वाइफ के साथ बहुत अच्छी जोड़ी बने, बहुत अंडरस्टैंडिंग हो और आप खुश रहें, ये दुआ देके मैंने गिरा बांध दी। अब एक एक करके आप सब आएंगे और आप जो भी आपकी होगी हर कलर पे दुआ बन सकती है। वैसे दोनों में से बड़ा कौन था, मैंने छोटे से शुरू कर दिया, नहीं नहीं शुरुआत इसी से, आप बड़े हैं और आप छोटे ना, मुझे पता है, चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके फाइन, चलें आखिर में अम्मा दुआ देगी, बाकी सारे मेहमान आए, चला जो दुआ सोच लें, दो दो बेटों को दुआएं देनी है। अच्छा अच्छा, हाँ इसी को करूं या दूसरा वाला करूं, कोई भी कलर ले लें आपकी पसंद का कलर ले लें, भाई मेरा फेवरेट येलो है, मेरा अपना कलर, कोई दुआ जो आप, अल्लाह मियां आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और आपके घर के अंदर आपकी मुनज़ा के साथ एक खुशगवार माहौल रहे हमेशा, आमीन सुम्मा आमीन, शादी के बाद। सबसे बड़ी दुआ यही है ना भाई, वो मेरी जो टीम है वो कहीं साथ साथ कर ले, अब हर चीज़ साथ साथ हो रही है इन लोगों की तो ज़रूरी है ना, तो ये मैं ज़रा तरीके से, ये अब मैंने नहीं किसी के घर में इस तरह की रस्म देखी, सो होती है वैसे, मैंने दुआ की रस्म है, अच्छी है क्योंकि दुल्हा की नहीं होती इतनी, ये पटके होते हैं ना उनके बंधे हुए, सो ये आपने येलो लिया था, मैं इनके येलो, मैं रिपीट करूंगी दुआ आपके लिए भी नुमान, कि सबसे बड़ी शादी के बाद की खुशी यही होती है कि मियां बीवी की अंडरस्टैंडिंग वक्त के साथ और बढ़ती जाए, और जो शादी है वो खुशहाली लेके आए, बजाय इसके कि दा दोस्तों में जा सके, वो कोई पर्सनल स्पेस नहीं होती, तो अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो एक कोई बात नहीं, शादी हो गई नाउ इनवेटेड नो पर्सनल, चलो भाई अच्छा चलो, हां दोनों बेटे, तुम लोग भी सोच लो, दो दो दुआएं देनी है ना, चलो जी अब तुम सोचोगे या क्या, नहीं मैं कह रही चलो फनी भी हो सकता है, चलो क्या बच्चे फनी? बच्चे जो हो ना सोच समझ के कीजिएगा, बहुत ज्यादा नहीं, दो या तीन बच्चे, ठीक है ना, आजकल महंगाई का दौर है, प्लीज इस पे और फिक्र कीजिए, क्योंकि आप हर चीज अपनी बेगम के कहने पे करेंगे, दुआ देनी है दुआ, तुम ये दुआ है अल्लाह मियां इनको बस दो से तीन बच्चे खुशियों के साथ, सेहत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ, एंड गुड, उनको पांच चाहिए तो नहीं काफी है, नहीं अच्छी एडवाइस है, इतना आजकल के जमाने बहुत मुश्किल, कोई नहीं सोचता, अच्छा पालना भी है, अच्छा पालना उनको, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा कौन सा कलर पसंद करेंगे आप? चलिए ठीक है ठीक है। अच्छा आपके लिए दुआ ये है कि शादी के बाद आपके घर का सुकून बरकरार रहे, हर लिहाज से, बहुत बड़ी दुआ है भाई ये, कि वो एक अच्छी दुआ है। अब इसको कैसे मैं गिरा लगाऊं, ऐसे लगा लो डबल करके पूरे को, हाँ बड़ी सी, हाँ ये बड़ा सा लूप बना के उसमें से गुजार दो, ये दो बन जाएंगे गिठाएं, ये इंटरेस्टिंग रस्म है, अच्छी है, हाँ ना, क्योंकि अब ये जैसे लड़कियों के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, लड़कों के लिए बड़ी कम कम रस्में बनी है, इनको भी यही दोगी दुआ सुकून की, नहीं एक दे दी ना, डिफरेंट दूंगी, आप बड़े हैं ना तो अल्लाह ताला आपको अम्मा में और बेगम में बैलेंस करना सिखाए, ये एक बहुत बड़ी दुआ है कि माँ को उनकी जगह पे, बेगम को उनकी जगह पे, आमीन, ठीक है, चल भाई खेरा आ जाओ, मैं क्या दुआ के साथ उन्होंने बहुत जोर से गिरा, मैं मतलब मैं ये दुआ दूंगी कि आप मतलब आप लोग सब फैमिली एज अ फैमिली यूनाइटेड रहे, हमेशा साथ रहे और साथ ही खुश रहे, जस्ट फाइंड अ सेम पॉइंट टू बी हैप्पी अबाउट, आमीन, एंड फॉर यू द सेम, ये देखो इतनी देर से सब नंबर आया, सही है,
और आई प्रे कि आप दोनों भाई भी आफ्टर इवन आफ्टर दिस न्यू भाई में प्यार है हां भाइयों में प्यार है आमीन सो आमीन चलो भाई दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चलिए अब बहन और अम्मी की बारी है वो लोग क्या दुआ दें सो कौन सा कलर चाहिए आई थिंक मैं यहां से स्टार्ट करती हूं पिंक किसका फेवरेट है दुआ दे शादी के बाद मेरी पॉकेट मनी और बढ़ा दे मेरे भाई अच्छा है तुमने हां अच्छा ही दे दिया आई वुड से अल्लाह आप लोगों को बहुत खुशियाँ दे और आपको बहुत सक्सेस मिले शादी के बाद एक साथ आपकी जॉब में मजीद प्रमोशंस हो और फाइनेंशियली और साथ हर महीने एक लोन का जोड़ा और बोला इनकम मैंने कहा फट से पकड़ ली तुम्हारी बात से अल्लाह ताला आपको भी बहुत खुशियाँ दे और और ये दे दो ना मैं आपकी लाडली रहूं तुम्हारी नहीं आई वुड वांट के मतलब के ओवरऑल उसकी फैमिली यू नो मतलब वो बहुत सक्सेसफुल हो उस चीज के अंदर और बेसिकली व्हाट शी वांट्स टू से इज लाइक द यू बोथ शुड हैव अ वेरी ब्यूटीफुल हैप्पी एग्जैक्टली आई एम मोर फोकस्ड ऑन देम हां ग्रेट 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 आ जाएं जी अम्मी उसमें इस साइड से कर ओके जी मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको नेक सालेह और अच्छी औलाद दे जो आपके लिए हमारी फैमिली के लिए इस मुल्क के लिए इस दुनिया के लिए इज्जत खुशी और खुशहाली लेकर आए आमीन आमीन बोल दिया था ठीक है इस तरह की आपकी है हाँ माशाल्लाह जिस तरह की और यही दुआ तुम्हारे लिए कि अल्लाह ताला तुम्हें नेक सौले खूबसूरत औलाद नहीं चाहिए मैं हमेशा तीन दुआएं मांगती थी अपनी प्रेगनेंसी में कि या अल्लाह नेक सौले और प्यारी औलाद हो सो माशाल्लाह अल्लाह मियां ने मेरी दुआ कबूल की अल्हम्दुलिल्लाह रिश्ते भी जल्दी जल्दी हो गए हां मुझे आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द बेबी माशाल्लाह अच्छा लग रहा है कि माशाल्लाह बच्चों में बॉन्डिंग है मतलब लाइक फ्रेंड्स यू नो बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह सामने को मुझे कहती जी हिरा मानी सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं और अपना बहुत ख्याल रखिएगा थैंक यू